Hello everyone, I am Samiksha Chaturvedi, your Unacademy Client Educator, and in this session we'll be talking about the sources and the nature of Hindu law. Along with this, we'll also discuss who is a Hindu, right? So I have done my graduation, my BLLB from Dr. Ram Manohar Lohia National Law University. I have done LLM from Amity University, Noida. And I'm a registered advocate with BCI, and I have a teaching and mentoring experience of 2 years, right? So see, what exactly is personal law? When we talk about personal law, har ek community in India mein jitni bhi hai, chahe Hindu, Muslim, Sikh, Jews or Parsi, all of them have their own different laws regarding marriage, regarding divorce, regarding maintenance, regarding adoption and succession and the division of property, right? So India mein itne sare personal laws hai ki har ek community ka khud ka personal law ek hota hai, right? Agar hum log Hindu ki baat kare to Hindu has a separate family law. Similarly, Muslims, Christians, Jains and Sikhs have their own separate family law, right? तो अगर हम लोग हिंदू और मुस्लिम्स की बात करें तो इनका क्या कहना है कि शुरू से ही, since the time immemorial, जब से हमें ध्यान भी नहीं है तब से अपने जो लॉज हैं वो किस तरह के हैं, डिवाइन ओरिजिन के हैं। डिवाइन ओरिजिन का मतलब यहाँ क्या हुआ, दैट दे एसोसिएट देयर लॉज थ्रू डिविनिटी, थ्रू डीटीज, कि हमें ये हमारे डिवाइन ने ये लॉज दिए हैं, राइट? These laws are not man-made. These laws have been given to us by deities, right? लेकिन बाकी जो communities हैं उनका खुद का ऐसा कोई भी claim नहीं होता है, right? लेकिन अब अगर हम आज का time देखें, if we look into the modern Hindu law, तो इस time पे इतने judicial interpretations हो गए हैं, इतने legislation में के through modifications हो गए हैं कि जो पहले Hindu law हुआ करता था, जिस लॉ को हम लोग डिवाइन लॉ बोलते थे, अब उस लॉज में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं एंड वी कैन हार्डली से दैट इट रिलेट्स टू डिवाइन ओरिजिन, राइट? सो द मॉडर्न हिंदू लॉ बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशन हैज अंडरगॉन अ ड्रामेटिक चेंज सो मच दैट एनी क्लेम ऑफ डिविनिटी कैन हार्डली प्रिवेल, राइट? बहुत सारी जगहों पे आज पे भी आप देखते होंगे कस्टम्स वगैरह अप्लाई होते हैं, ओके? तो अगर हम लोग हिंदू में लॉस की बात करें तो क्या बोला जाता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ धर्म, राइट? लॉ क्या है, एक धर्म का ब्रांच है, राइट? धर्म इंडिया के हर एक, अगर आप हिंदू को देखोगे तो इनके फिलोसॉफिकल थॉट हो गए, उनके सोशल स्ट्रक्चर हो गए, इन सभी में आपको धर्म मिलेगा, राइट? लॉ इन दिस सेंस इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ धर्म। अगर हम लोग मनु की बात करें तो मनु का क्या कहना है कि धर्म वो चीजें हैं जो कोई भी पर्सन वेद को फॉलो करता है, जो वेदास है, द फोर वेदास दैट वी हैव, उनको जो कोई भी फॉलो करता है वही धर्म होता है, राइट? या व्हाट इज अप्रूव्ड बाय द कॉन्शियंस ऑफ वर्चुअस हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम हेट्रेड एंड इनऑर्डिनेट अफेक्शन। ऐसे लोग जो अपने वर्च्यूज को जो है सोच के चलते हैं अपने कॉन्शियंस के थ्रू और उनके मन में हेट्रेड नहीं है, उन्होंने जिन चीजों को अप्रूव किया है वो भी क्या होता है, धर्म में ही आता है, राइट? इफ वी टॉक अबाउट मेधातिथि, ये क्या है, कमेंटर ऑन मनु, इनका क्या कहना है, धर्म एक ड्यूटी है। किस तरह की ड्यूटी है ये, रिलीजियस ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी एंड लीगल ड्यूटीज। इन चारों को ही जब हम कंपाइल कर देते हैं तब जो ड्यूटी सामने आती है वही धर्म है, राइट? So, from this aspect, it is said that Hindu system is a system based on duties, right? अब बहुत सारे jurist, बहुत सारे धर्मशास्त्री हैं, जिन्होंने बहुत सारे sources of Hindu law बताया है। अगर हम मनु की बात करें तो मनु का कहना है there are four sources of धर्म। पहला आपका वेदा, दूसरा आपकी स्मृति, तीसरा आपका सदाचार जिसको हम लोग customs या usage बोलते हैं, and what is agreeable to one's conscience. राइट? तो वेदा, स्मृति, कस्टम्स एंड यूसेज एंड जो मेरे मन में मुझे सही लग रहा है, जो मेरे थॉट्स में मुझे सही लग रहा है वो भी धर्म में आता है, राइट? सो वी विल रीड अबाउट वेदा, स्मृतिज एंड सदाचार अभी आगे, राइट? अकॉर्डिंग टू यजुर्वेद का द श्रुति, स्मृति,
approved usage and what is agreeable to one's conscience and desire, they are also foundation of law. Right? श्रुति स्मृति यूसेज ये सब हम अभी देखेंगे राइट अब अगर हम लोग आज के टाइम की बात करें द प्रेजेंट सिनेरियो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ देर आर टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ वन इज द ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड द अदर वन इज मॉडर्न सोर्स अगर हम लोग ट्रेडिशनल सोर्स में जाएं तो श्रुति श्रुति होता है स्मृति होता है कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट होता है एंड द लास्ट वन इज कस्टम्स ये चारों क्या हैं? ये चारों आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज में आते हैं सो लेट अस स्टार्ट विद श्रुति श्रुति किस वर्ड से डिराइव हुआ है श्रु जिसका मतलब क्या है व्हाट इज हर्ड क्या सुना हमने राइट अब देखो ऐसा माना जाता है कि जो भी डीटीज थे वो आके सेजेस को बता के जाते थे कुछ चीजें वो जो चीजें बताते थे वही चीज वेदा में क्या की गई है लिखी गई है चार वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद एंड अलोंग विद दिस देयर आर 108 उपनिषद्स ये भी सब किससे डील करते हैं जो डीडीज ने आके सेजेस को बताए इसीलिए इसको श्रुति बोला जाता है राइट बेसिकली श्रुति का एंड एम क्या है किसी भी लॉ का इन सारे वेदाओं का एंड में क्या है मतलब क्या है इनका मेनली दे आर रिलीजियस राइट्स and the means of attaining true knowledge and salvation right now let us see smriti smriti kya bolta hai what was remembered kya hame dhyan hai right it is believed to be the recollection of rishis handed down to us constituting the principal sources of hindu law ab jo cheez dds ne aake sages ko bataye सेम चीजें सेजेस ने क्या किया अपने डिसिपल्स को बताए होंगे आने वाली जेनरेशंस में बताए होंगे राइट तो वो क्या है वो स्मृति है डीडीज ने जो सेजेस को बताया दैट इज श्रुति सेजेस ने जो जेनरेशन टू जेनरेशन बताते गए हैं वो क्या है स्मृति व्हाट वाज रिमेंबर्ड क्या याद रहा राइट सो स्मृति एम्बॉडीज व्हाट सेजेस रिमेंबर थ्रू दोज रेवलेशंस ठीक है आई होप यहां तक समझ आया होगा नाउ Let us move on to the commentaries and digest. देखो हर एक आप कोई भी जो है श्रुति ले लो या स्मृति ले लो जब भी आप स्मृति देखते हो ना तो स्मृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे ट्रेडिशनल कस्टम्स क्या हैं ये सारी चीजें हम नहीं जान पाते राइट तो कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या है ये इन्हीं का रिकॉर्ड है ट्रेडिशनल कस्टम्स का ही रिकॉर्ड है जो भी स्मृतिज में दिए गए हैं राइट ये क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि स्मृतिज में लिखा है तो इसका मतलब क्या है सो द कॉमेंट्रीज एक्सप्लेन्ड मॉडिफाइड एंड एनलार्ज्ड द ट्रेडिशंस रिकॉर्डेड देयरइन टू ब्रिंग इनटू हार्मनी एंड अकॉर्ड विद प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस राइट बहुत सारे आपको जो है कॉमेंट्रीज और डाइजेस्ट देखने को मिलेगा देखिए इतने सारे इधर ही मेंशन है लेकिन इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है मिताक्षरा और दयाभागा यहाँ पे ये अथॉरिटीज बेस्ट अथॉरिटीज मानी जाती हैं फॉर द सोर्सेज ऑफ लॉ द लास्ट वन इज द कस्टम्स ट्रेडिशनल सोर्सेज में द लास्ट वन इज द कस्टम्स हम लोग देवानी आची वर्सेस चिदंबरम में अगर देखें तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कस्टम्स हैव फोर्स ऑफ लॉ कस्टम्स भी क्या होते हैं लॉ ही होते हैं लेकिन एक कस्टम को लॉ बनने के लिए क्या जरूरी है वो एंशियंट होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए राइट सो द लॉ नीड्स टू बी सर्टेन द लॉ नीड्स टू बी रीजनेबल एंड द लॉ नीड्स टू बी एंशियंट हमेशा से जो चलता चला आ रहा है उसी को हम लोग कस्टम्स बोलते हैं राइट एनीथिंग व्हिच हैज बीन सेट डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और जो सारी जनरेशन फॉलो करते हुए आई है राइट अगर हम लोग सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखें 1955 का इन्होंने डिफाइन किया है कस्टम एंड यूसेज इसके अकॉर्डिंग क्या है कोई भी ऐसा रूल जो कॉन्टिन्यूसली फॉलो हो रहा है और यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली का मतलब क्या हुआ विदाउट एनी ब्रेक बिना किसी ब्रेक के ये फॉलो होता चला आ रहा है राइट कहीं पे भी एक स्टॉप नहीं आया ऐसा नहीं हुआ कि 50 साल फॉलो हुआ फिर 20 साल रुक गया और फिर उसके बाद दोबारा चालू हो गया नो इट शुड बी समथिंग जो कॉन्टिन्यूस हो यूनिफॉर्मिटी मतलब जो 50 साल पहले था वही अभी भी है राइट
has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. This rule has to be certain and not be unreasonable or opposed to public policy. इसका मतलब अगर हम लोग customs के essentials देखें तो क्या होता है, सबसे पहले it needs to be ancient, secondly certain, thirdly reasonable, fourthly it needs to be continuous, uniformly and not opposed to public policy, right? So this is what custom is. I hope यहाँ तक समझ आया होगा. Now let us move on to the modern sources. Modern sources की अगर हम लोग बात करें तो modern source में सबसे पहले आपको क्या दिखता है, judicial precedents, right? Judicial precedents क्या होते हैं? Judicial precedents are those laws जो courts ने बनाए हैं, right? Court ने उन चीजों को judgment में डाला है, right? तो लोहार अमृतलाल वर्सेस दोषी जयंती लाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, that the judicial decisions have become part and parcel of Hindu law. Judicial decisions have modified and supplemented the pure Hindu law and they have emerged as important source of present Hindu law. आज के टाइम पे आप देखोगे जो भी जुडिशरी है, जुडिशरी ने इतने सारे जजमेंट्स दिए हैं, उन सारे जजमेंट्स में उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं कि अब अल्टीमेटली आप जुडिशियल प्रेसिडेंस को एक सोर्स ऑफ लॉ मानने लगे हैं. वहां पे हर एक चीज दी गई है. आप कोई भी जजमेंट उठाओ फैमिली लॉ से, हिंदू लॉ से, उसमें मेंशन है चीजें कि अगर शादी हो रही है तो व्हाट आर द एसेंशियल्स, राइट? सो जुडिशियल प्रेसिडेंस दे फॉर्म मॉडर्न सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, सॉरी हिंदू लॉ. Secondly, if you look at it, so the second one is legislation. Legislation यहाँ पे क्या है? ऐसे laws जो parliament ने, legislature ने बनाए हैं, right? जब हम लोग independence के बाद, when the parliament was very much in active part, तो उन्होंने बहुत सारे laws 1955 से 1956 के बीच में बनाए हैं, right? फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. ऐसे ही और सारे लॉज हैं जो आपको 1955 से 1956 के बीच में देखने को मिलेगा, राइट? सो दीज लॉज आर ऑल्सो व्हाट, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ. द लास्ट वन इज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस. See, at times what happen is that the laws are not available that much, right? कुन कुन चीजों पे जो भी sources हैं अपने वो silent होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? Judge evolve करते हैं कुछ ऐसे principles जो किस पे based होते हैं? Justness, fairness और propriety पे. Right? So, यहाँ पे जब भी आपको inadequacy of law मिलेगी, वहाँ पे you will see कि equity, justice और good conscience के basis पे judges also make new types of law. Right? So, this again is a modern source of law. Alright? I hope आपको sources of law समझ आया होगा. Okay? So, now let us move on to who is a Hindu. है ना? हिंदू पर्सनल लॉ जिसके ऊपर अप्लाई होना है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हिंदू है कौन, राइट? तो आप देखोगे सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये बताता है एग्जैक्टली कौन हिंदू है, राइट? सो सबसे पहले टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, वो क्या है, रिलीजन के थ्रू क्या है, एक हिंदू है, और इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट्स. सी वी ऑल रिमेंबर कि ड्यूरिंग इंडियन मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल उस टाइम पे बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आए थे जिनमें से आपका ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब निकल के आए, राइट? तो अब ये सब भी क्या है, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदू लॉ ओनली, ऑलराइट? दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदू लॉ, इंक्लूडिंग विराशवा, लिंगायत और फॉलोअर ऑफ ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज. तो पहला हमने देखा कि अ पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन और इनके जो भी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट है. दूसरा क्या है, टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. आप जब आर्टिकल 25 देखोगे, आर्टिकल 25 का एक्सप्लेनेशन 2, वहां पे भी सिमिलर चीज लिखी हुई है. वहां पे भी क्या लिखा हुआ है कि वो पर्सन जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है वो भी एक हिंदू में ही डिफाइन होगा, राइट? वो भी क्या होगा, हिंदू में ही डिफाइन होगा. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट में कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है, ठीक है, इंडिया में डोमिसाइल्ड है, प्लस
हु इज नॉट अ मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी ज्यू बाय रिलीजन, राइट। तो ऐसे लोग जो इंडिया में हैं और वो बाय रिलीजन क्या है, वो बाय रिलीजन मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यू है, राइट। वो हिंदू वो नहीं, वो भी क्या होंगे, वो हिंदू के ही कैटेगरी में आएंगे, राइट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ना तो मैं मुस्लिम हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, पारसी हूँ और ना ही ज्यू हूँ, और मैं अपने आप को हिंदू भी नहीं मानती हूँ। तो अब मैं तो ऐसे नॉर्मली इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आया मैं हिंदू, राइट। तो व्हाट विल हैपन हियर इज कि आई विल हैव टू प्रूव कि ऐसा कोई भी कस्टम या यूसेज जो हिंदू लॉ के अंदर है वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो अगर हम इसको एक लाइन में क्रक्स समझें, तो पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन मुस्लिम पारसी ज्यू और बाय रिलीजन विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट सच पर्सन विल नॉट बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं खुद जो हूं, मैं खुद हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होती हूँ, राइट। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब इसी सेक्शन के अंडर कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं कि जो भी ऐसे पर्सन हैं जो हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख हैं, अगर उनका कोई चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है, वेदर द चाइल्ड इज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट, और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, विल ऑल्सो बी अ हिंदू, राइट। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो भले ही लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट हो, अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं, तो वो बच्चा भी क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। इसके अलावा एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट, वन ऑफ हूज पेरेंट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो एक पर्सन हिंदू है, एक पेरेंट आपका हिंदू है, दूसरा पर्सन बिलोंग्स टू सम अदर कम्युनिटी, उस सिनेरियो में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि उस बच्चे को ब्रॉट अप कैसे किया गया है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, क्या वो एज अ हिंदू ब्रॉट अप किया गया था। इफ द आंसर इज यस, तो दैट चाइल्ड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू ओनली, राइट। आई होप ये समझ आया होगा। इसको समझने के लिए लेट अस लुक एट अ केस, दिस इज पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी। इसमें क्या होता है, द वुमेन वाज अ क्रिश्चियन एंड द हस्बैंड वाज अ हिंदू, दे मैरिड अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड अल्टीमेटली दे आल्सो डिसाइडेड कि वो लोग मिताक्षरा लॉ, मिताक्षरा हिंदू लॉ से ही क्या होंगे, गवर्न होंगे, ठीक है। दे हैड अ सन एज वेल, राइट। अल्टीमेटली क्या होता है, जो हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशन स्ट्रेन हो जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो सन होता है वो अपनी मदर के साथ साथ रहने लगता है, राइट। अब माइनर सन जो होता है वो फाइल करता है अपने फादर के अगेंस्ट केस फॉर हाफ ऑफ द शेयर इन द प्रॉपर्टी, राइट। अब अच्छा, उस अगर इफ वी लुक एट दैट चाइल्ड, वो चाइल्ड के जो 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 परवरिश है, द वे ही वॉज ब्रॉट अप वॉज हिंदू ओनली, राइट। उसकी मदर उसको प्योरली एज अ हिंदू ही क्या कर रही थी, बड़ा कर रही थी, वही हिंदू वाले ही उनको चीजें सिखा रही थी। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि क्या यहाँ पे ये पर्सन हिंदू है, राइट। तो एपेक्स कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए। पहला प्रिंसिपल क्या है, अ मियर थियोरेटिकल अलायंस टू अ हिंदू फेथ बाय अ पर्सन बॉर्न इन अनदर फेथ डज नॉट कन्वर्ट हिम इनटू अ हिंदू, नॉर इज अ बेयर डिक्लेरेशन दैट ही इज अ हिंदू सफिशिएंट टू कन्वर्ट हिम टू हिंदुइज्म। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल, मैं मुस्लिम हूँ, राइट, आई एम अ मुस्लिम एंड आई गो फॉरवर्ड एंड आई से कि आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू फेथ को अब बिलोंग करती हूँ, मैं अब हिंदू हो गई हूँ, मैं ये डिक्लेयर करती हूँ, तो जस्ट बिकॉज आई डिक्लेयर समथिंग डज नॉट मीन कि मैं एक हिंदू बन गई हूँ, राइट। क्यों, सेकेंड पॉइंट देखिए, बट अ बोनाफाइड इंटेंशन टू बी कन्वर्टेड टू हिंदू फेथ अकम्पनीड बाय अ कंडक्ट अनइक्वली एक्सप्रेसिंग दैट इंटेंशन मे बी सफिशियंट एविडेंस ऑफ कन्वर्जन। तो जस्ट बिकॉज मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है मैं हिंदू नहीं बनूंगी, उसके अलावा और क्या होना चाहिए, उसके अलावा मुझे ये इंटेंशन दिखानी है कि हाँ आई वॉन्ट टू बी अ हिंदू बाय वे ऑफ माई कंडक्ट, मैं किस तरह से कंडक्ट कर रही हूँ वो चीज मुझे दिखाएगा कि हाँ ये हिंदू बनी है या नहीं बनी है। अब यही सेम चीज आप इस केस में देखो, यहाँ पे जो ये विमेन है, जो ये वाइफ है, इनका कंडक्ट क्या है, शी इज ब्रिंगिंग अप हर सन एज अ हिंदू ओनली, राइट। भले ही द विमेन वॉज क्रिश्चियन बट राइट नाउ शी इज ब्रिंगिंग द चाइल्ड एज अ हिंदू, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे द चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड एज अ हिंदू ओनली, राइट? ओके, द लास्ट पॉइंट हियर इज any person who is a convert or a reconvert to a hindu buddhist jain or sikh religion will also be considered as a hindu. convert matlab kya hota hai, aap pehle kisi aur religion ko belong kar rahe the and uske baad aapne hindu religion mein kya kar liya hai, convert kar liya hai. reconvert ka matlab kya hai, aap pehle hindu the फिर आपने किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया खुद को एंड आफ्टर दैट आप दोबारा हिंदू में कन्वर्ट हो गए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रीकन्वर्ट. ऑलराइट, ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड क्या आज हम लोगों ने सोर्सेज देखे हैं एंड क्या हु इज अ हिंदू आपको समझ आया होगा क्लियरली. दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, राइट? आई विल सी यू ऑल सून एंड डोंट forget to subscribe to the channel, right? So bye bye, take care guys.